अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक अमेजिंग सी रेसिपी, और बहुत झटपट से बनने वाली आसान सी रेसिपी है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं कि आज मैं क्या रेसिपी बना रही हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ वही मिट्टी के तवे पर, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वही मिट्टी के तवे पर बनाऊंगी कुछ अलग सी रोटी। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं कैसी अलग सी रोटी बनाऊंगी और कौन सी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ मेरी किचन में मिलकर बनाएंगे अमेजिंग सी रेसिपी। तो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ रमास की फली चिकन कीमा। तो ये दोनों मैं मिक्स करके बनाऊंगी। तो ये दोनों आज मैं बनाने वाली हूँ, और एकदम यम्मी टेस्टी ये सब्जी बनती है गाइज। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ये खड़े गरम मसाले, तो 6-7 मैंने काली मिर्च ली है, 4-5 लौंग ली हैं, और थोड़ा सा ये फूल लिया है, जयपत्री ली है एक टुकड़ा, एक हरी इलायची ली है, और यहाँ पर 3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, एक बड़ी इलायची और 2 गरम मसाले के पत्ते लिए हैं। तो इससे हम छोकेंगे, इसे करते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज, इन्हें मैंने कट कर लिया है, इनका मैं फाइन पेस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पर 1/2 किलो कीमा लिया है, और 1/2 किलो हमारी रमास की फली है, और साइड में रखा हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमारा अभी सब्जी में जाएगा तो बस वही है। तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, हमारी हांडी जो है वो हमने गैस पर रख दी है गर्म होने के लिए। जब तक हम उसका पेस्ट बनाएंगे, यहाँ पर हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो जाएगा गर्म होकर। तो बस इस तरह से मैं सारे काम करती हूँ। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, और मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है मैंने यहाँ पर। और अभी इसमें मैं सारे गर्म मसाले ऐड कर दूंगी, और साथ ही में मैंने जो मैंने ये प्याज रखी थी वो भी मैंने पेस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने पेस्ट बनाकर रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है प्याज का, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर इसमें मैंने डाला है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 2 चम्मच जाएगा भर भर के, और थोड़ा सा और डालेंगे, ये शगुन में जरूर करती हूँ थोड़े से वाला। तो अभी इन्हें 2 मिनट फ्राई करेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर देंगे प्याज को इसमें। तो गाइज, यहाँ पर अभी इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च, इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून, और अभी इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और डालेंगे नमक, तो नमक जाएगा इसमें स्वाद अनुसार। एक टीस्पून जाएगा ये गरम मसाला, तो बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे बीच में पानी डालते हुए। तो देखिए गाइज, यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और इस तरह से मैंने ढक ढक के मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है, और 5 से 7 मिनट से ज्यादा हमें नहीं भूनना है मसाले को। और बस अभी इसमें हम दोनों चीजों को ऐड करेंगे। उससे पहले हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और दोनों सब्जियों को डालने के बाद इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, फिर इसमें जो ये पानी है इसी में पकाएंगे। तो पहले 2 मिनट तक इस पानी को पकाएंगे मसाले के साथ, और फिर हम इसमें अपनी दोनों सब्जियों को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, बढ़िया से हमारा जो पानी है वो भी इसमें पक चुका है, और ऑयल जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसमें ये दोनों सब्जियां ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये फलियां ऐड की हैं, और मैंने इन्हें बढ़िया से कट करके रख लिया था, धोकर सुखा के फिर मैंने इन्हें कट किया है, और पानी में डालकर नहीं रखा है, और ना पानी में डालकर रखना है। तो बस ये देखिए इस तरह से, और अभी इसमें मैं ये कीमा ऐड कर दूंगी, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम दोनों चीजों को। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये दोनों चीजें मिक्स हो चुकी हैं, और अभी इन्हें हम ढककर गैस के फ्लेम को स्लो कर देंगे, और उसको अच्छी तरह से दोनों चीजों को पकने देंगे।
तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर एक साइड पर हमारी सब्जी बन रही है और एक साइड पर मैं बनाऊंगी रोटियां। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तवा रख दिया है और रोटियां मैं बनाने वाली हूँ मिट्टी के तवे पर, और थोड़ी अलग रोटी बनाने वाली हूँ। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ मिट्टी के तवे पर, और मिट्टी के तवे पर बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइज। तो वही तो गाइज, यहाँ पर जो हम मीडियम साइज की जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लोई इसकी लेंगे। तो ये देखिए, इस साइज की लोई हमें लेना है। और यहां पर इसे बेलने के बाद इस पर लगाएंगे एक चम्मच घी। इस तरह से रोल करने के बाद इसे इस तरह से घुमाएंगे। और फिर से इसकी रोटी बेलेंगे। तो गाइस, इसे बिल्कुल हल्के हाथ से हमें यहां पर बेलना है। यहाँ पर इस तरह से तवे पे डाल देनी है और सेम तरीके से हम दूसरी रोटी तैयार करेंगे। तो ये देखिए गाइस, एकदम ऐसा दिख रही है जैसे कि हमने चूल्हे पर बनाई है, लेकिन ये हमारी गैस की रोटी है। लेकिन इसमें जो दिख रही है ये थोड़ी सी चूल्हे जैसी लग रही है। तो ये देखिए गाइस, इस तरह से लगा दी है और दिया है, लेकिन ये देखिए। और यहाँ भी हमारे रेहन फरन खाएंगे और साथ ही में हम इस रोटी पर भी ध्यान देंगे वरना ये जल जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी मैं रेहन फरन को दे रही हूँ और वही बताएंगे कि कैसी लग रही है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है गाइस, मैंने खाई है। और गाइस, अगर आप ज्यादा घी पसंद करते हैं तो इस पे ज्यादा घी लगाकर और इसे अगर इस तरह से करेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। घी ज्यादा लगाकर इस तरह से, और इस तरह से हमारी अम्मा किया करती थी। अम्मा जब रोटी बनाती थी तो गरम गरम रोटी को वो इस तरह से करती थी, मेरी दादी सास, और बहुत टेस्टी लगती थी इस तरह से। तो जो मैंने किया है, तो बस गाइज, यहाँ पर कंटिन्यू हम सारी रोटियां इसी तरह से बना लेंगे सभी लोगों के लिए। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर करीब 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो सब्जी है देखिए बढ़िया जी कुछ इस तरह की दिख रही है। और अभी यहाँ पर हम इसमें साथ ही में ऐड कर देंगे ये धनिया पत्ती। ये देखिए गाइस, एकदम खूबसूरत यमी टेस्टी हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। अभी इस पॉइंट पर हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्लो आंच पर ये पक रही है। और गाइस, ये भगोनी जो मेरा पतीला है इतना मोटा है कि अभी इसमें 2-3 मिनट तक इस तरह से ये हीट इसको देता रहेगा, तो उस टाइम पर इसलिए मैंने यहाँ पर ये धनिया डाला है, हरा धनिया। और अभी इसे मैं यहाँ पर इस तरह से कवर कर दूंगी
और कवर करने के बाद इसे रखा रहने देंगे और इसमें एकदम यमी टेस्टी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा धनिया पत्ती का। और आप चाहें तो इसमें काली मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं गाइज, मैंने भी कर दिया है और लेकिन उस टाइम पर मैं आपको दिखाना भूल गई थी, कोई नहीं लेकिन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर रेडी है और हमारी रोटियां बनना कंटिन्यू स्टार्ट है और यहाँ हमारी छोटी दुल्हन सेकने की कोशिश कर रही है, कह रही है बाजी मैं भी बनाऊंगी। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये भी और रोटियां बन रही हैं, यहाँ पर सब्जी। तो ये अभी हबी जी के लिए खाना निकलेगा, सब्जी और रोटी दोनों। ये देखिए गाइज यहाँ पर हबी जी का खाना रेडी है। तो यहाँ पर एकदम यमी टेस्टी रोटी, देखिए आप कितनी क्रिस्पी और करारी दिख रही है, ये देखिए और यहाँ पर हमारी रमास की फली और कीमा भी रेडी है, एकदम यमी टेस्टी। ये मेरे पापा का फेवरेट है गाइज। और यहाँ पर थोड़ी सी प्याज और नींबू, ये है खाना, यमी टेस्टी खाना। और दूसरी रोटी कंटिन्यू यहाँ पर सिक रही है। हाँ तो गाइज आज हमारी छोटी दुल्हन कुछ कर रही है और वो क्या कर रही है चलिए आज देख लेते हैं कि वो क्या कर रही है। तो चलते हैं उनके कमरे में उनके पास। तो चलिए छोटी दुल्हन कर रही है कटिंग, सूट कट कर रही है, ये कच्चा कर रही थी अभी कट कर रही है। ये देखिए खुद का सूट है, ये सिलने जा रही हैं आज, ये रखे इनके सारा सामान, ये एक्स्ट्रा कपड़े को हटाया जा रहा है और अभी देखते हैं छोटी दुल्हन कामयाब होती हैं या फिर कह देंगे धीरे से कि बाजी आप सिल दो, देखते हैं हम बाजी सिलेंगी कि बस मैं सिलेंगी। कच्चा करेंगी, इनर वाला है और उसके बाद इसे सिलेंगी। तो अभी तो फिलहाल ये कच्चा कर रही हैं, एक सा कर रही हैं। तो ये इसका फाइनल लुक है कुर्ती का, बहुत प्यारा लगता है ये, इसमें ठीक से नहीं दिख पा रहा है लेकिन सामने से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए गाइज यहाँ पर इनका एक सूट कट चुका है, माशाल्लाह अल्लाह का करम है आज तो ये सूटों पर उतर आई हैं, लेकिन आज जोश आ गया इनको, इनका ये दूसरा सूट है वो ये कट कर रही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये निशान इन्हें लगा के रखे हैं और अभी बस कैंची चलने ही वाली है कि ये देखिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कैंची चल पड़ी है। ये देखिए गाइस छोरी दुल्हन का सूट सिलना स्टार्ट हो गया है और ट्राउजर इनका सिल चुका है, कहाँ ट्राउजर का रख दिया। ये देखिए गाइस छोटी दुल्हन ने ट्राउजर सिल लिया है और यहाँ पर ये रखा था तो वही, ये देखिए अच्छा बनाया है माशाल्लाह। ये देखिए हमारी छोटी दुल्हन का ट्राउजर है, अभी कच्ची वाली सिलाई नहीं निकली है इसकी। ये देखिए यहाँ पर ये अभी बटन लगाएंगी, ये कट वाला बनाया है और यहाँ पर इस जगह पर बटन लग जाएंगे सारे, तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लुक आएगा। वो कर देंगे कोई नहीं, ये अभी गला बना रही है, करने वाला है। तो ये देखिए गाइज हमारी छोटी दुल्हन का सूट अभी पूरा नहीं सिला है इसलिए आपको पूरा देखने को नहीं मिलेगा, अभी बस ट्राउजर और इसकी स्लीव्स बनना और दामन बनना रह गया है बस। कुर्ती वैसे पूरी सिल चुकी है हमारी छोटी दुल्हन ने, सिल ली है ये देखिए। तो गाइज इसको अभी फाइनल लुक तो नहीं कहेंगे, अभी फाइनल लुक नहीं है लेकिन जब ये सिल लेंगी तब मैं आपको फाइनल लुक जरूर दिखाऊंगी। देखिए रख दिया है अभी हमारी छोटी दुल्हन ने और कह रही थी कि बाजी अभी पूरा सिल जाने दो फिर दिखाना, मैंने कहा नहीं अभी अधूरा ही दिखाएंगे। पूरा जब सिल लोगी तब दिखाएंगी, जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं दोनों दिखाऊंगी, अभी फिलहाल एक ही सिला है उनका। तो कोई नहीं, अभी नए नए टेलर हैं सीख जाएंगे, सीखे हुए तो हैं लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो कोई नहीं आ जाएगी। तो बस गाइज तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। हाँ तो गाइज खाना हम दोनों ने खा लिया है और एक नंबर यम्मी टेस्टी खूबसूरत खाना हमारा बना है, क्यों उज्मा है ना, टेस्टी बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी रेसिपी गाइज, जरूर से ट्राई करिएगा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारी छोटी दुल्हन भी कह रही है एक बार जरूर ट्राई करिएगा, वाकई बहुत टेस्टी बना था और एकदम कुरकुरी यम्मी टेस्टी रोटियां थी गर्मा गर्म। छोटी दुल्हन के लिए मैंने बनाई गर्मा गर्म और छोटी दुल्हन ने मेरे लिए बनाई गर्मा गर्म और दोनों ने मिलकर खाई, खूब इंजॉय किया हमने और बस इसी तरह से हिल मिलकर दोनों साथ रहते हैं गाइज और इसी तरह से आपको हमेशा
साथ देखेंगे। हमें दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हम दोनों में प्यार इसी तरह से बना रहे हमेशा और इसी तरह से हम लोग साथ रहे। तो गाइज इसी तरह से हमारा चलता रहता है। ये मेरे बिना बिल्कुल भी अकेली नहीं रहती है, इन्हें बहुत बुरा लगता है अगर मैं सो जाऊं तो ये पूरे घर में अकेले घूमती रहती हैं, मुझे ढूंढती हुई और जगाने की कोशिश करती हैं कि बाजी मैं बोर हो रही हूँ, उठ जाओ इस तरह से। और ज़्यादातर तो हम दोनों साथ ही उठते बैठते हैं और साथ ही हमारा खाना पीना चलता है, सोना बैठना सब कुछ साथ है। तो गाइज अभी तो फिलहाल बहुत प्यार है और आगे अल्लाह की मर्जी है। हाँ तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो चुका है और खाना एकदम यमी टेस्टी, हवी जी को तो बहुत पसंद आया, हवी जी को भी और बच्चों को भी, गर्मा गर्म सभी लोगों ने खाया और हम लोगों ने भी खा लिया है गाइज। तो अभी हो चुके हैं फ्री और ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।